28 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट के हिंदी के प्रश्नों का मॉक टेस्ट हम लोग लगाने चल रहे हैं। आपके पास जो है एक पेज और कलम जरूर होनी चाहिए ताकि आप अपना आंसर लिख सकें। और यह कोई मॉक टेस्ट नहीं है, सीधे सीधे पेपर है जो कि हो चुका है। यहाँ पर आपको हर हाल में 30 प्लस करना पड़ेगा। हिंदी में अगर आप 30 प्लस करने में असफल रहे, इसका मतलब आपकी तैयारी कहीं न कहीं डाउन है। टेस्ट दीजिए और पूरे मन से दीजिएगा। 28 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का यह पेपर यूपी पुलिस कांस्टेबल का है, जो 49,568 की वैकेंसी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 114 यानी कि हिंदी का पहला क्वेश्चन है 37 में से। इस प्रश्न का आंसर बताइए, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? आंसर बताइए इसका, आंसर अपने पेज पर लिख लीजिए। चलिए आंसर शो कर रहे हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और बार बार हम बोल रहे हैं कि यूपीएसआई के सेट में भी आया था कि किस कवि या लेखक को उसकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी या ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है, वो आपको बखूबी पता होना चाहिए, अन्यथा आप जो है कहीं ना कहीं चुकेंगे। इस गद्यांश को पढ़िए, गद्यांश कह क्या रहा है इसको? अब ये 119 प्रश्न का आंसर दीजिए। वसीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानिए, चारों में से कौन सा है वसीकृत का समानार्थी शब्द? आंसर आप लिख लिए होंगे। चलिए मंत्र मुग्ध आगे चलते हैं हम। जो 120 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसे पढ़िए। उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए गद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। भिखारिन को देखकर पटदेत बार बार है, बहुत ही आसान है, बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? भिखारिन को देखकर पटदेत बार बार है। चलिए ये रहा आपका आंसर सी। आगे चलते हैं, आगे प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 121, प्रश्न को पढ़ करके आंसर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हो। जो वाक्य लिखा है सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना, इसमें रेखांकित लाइन आपको दिख नहीं रही है, सबने उसे बुरा कहा। कौन सा है? आप कहेंगे बी। आगे चलिए 122। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। सामने एक अशुद्ध वाक्य दिख रहा है, इसका शुद्धिकरण कौन सा है? इसका आंसर बताइए। आंसर आपके सामने है ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है?
आंसर दीजिएगा अपनी कॉपी पर, इसका आंसर लिख लीजिए। चलिए ये आंसर आपके सामने रहा, 124 नंबर। चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। घाट घाट का पानी पीना, यानी कि आंसर बताइए इसका क्या होगा। घाट घाट का पानी पीना, देखते हैं आज आप 30 करने में सफल रहते हैं कि नहीं। 30 32 तो करना ही पड़ेगा, इसका आंसर आपके सामने है। चलते हैं 125 नंबर पे। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उन सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां किसी हानि के कारण शोक का भाव पैदा हो वहां किस भाव की उपस्थिति रहती है। बताइए दुख का स्थायी भाव क्या है, जहां शोक हो दुख हो। कौन सा रस है इसमें? करुण रस। 126 नंबर को पढ़िएगा। चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है, इसका भाववाच्य क्या होगा? ये 28 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, 49,568 वैकेंसी का, इसका आंसर बताइएगा। पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, यूपीएसआई के सेट में भी ये प्रश्न दिखा था। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, जिसमें एक भाव दिखाई दे रहा है। बाकी क्लास में तो इसको बहुत बढ़िया से कंप्लीट करा चुके हैं। कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? जिन्हें चिन्ह और संकेत पता होगा आराम से कर लेंगे, ये भी क्लास में कंप्लीट है, आंसर दीजिएगा। उद्धरण चिन्ह किसमें लगी है? और ईमानदारी से टेस्ट आपको देना पड़ेगा। आंसर आपके सामने रहा, ऊपर देखिए पद्मश्री के बाद लगी है चिन्ह। 128 नंबर को ध्यान से पढ़िए। चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चक्रधर में कौन, जो सही समास के हिसाब से चक्रधर को कैसे तोड़ा जा सकता है? चक्रधर, ये तो बहुत ही आसान है, आंसर आप लिख लिए। चलिए इसका आंसर सामने आपके रहा। आगे चलते हैं 129 पे। उस विकल्प का चयन करिए जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द है। रात में घूमने वाले को क्या कहा जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, उम्मीद है आपने इसका आंसर लिख लिया होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, आंसर आपके सामने ये रहा, निशाचर। 130 नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, मुद्रा है, उसका बताइए क्या अर्थ है, उसका आंसर दीजिएगा। मुद्रा का अर्थ क्या है? बखूबी समय आपको दे रहे हैं सोचने के लिए, जितना एग्जाम में समय लगना चाहिए, आंसर आपके सामने है। 131 नंबर। और जहां पर किसी प्रश्न में आंसर गलत है, टेलीग्राम पर हम बराबर अपडेट कर रहे हैं, यूपीएसआई का पेपर हो या ये यूपी कांस्टेबल के जितने भी पेपर करा रहे हैं, अगर ऑफिशियल रूप से इसमें आंसर गलत है और बाय चांस हम उस पर ध्यान न दे पाए, तो हर एक आंसर को सही तरीके से टेलीग्राम पर अपलोड कर रहे हैं बराबर, तो
टेलीग्राम से आप जरूर जुड़े, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद है, ताकि इस प्रैक्टिस सेट में क्या किसी ऑप्शन को लेकर के डर है, अगर कोई एकाक ऑप्शन गलत बता दिए तो वहां पर आपको आंसर उसका सही मिल जाएगा, ताकि ये कभी पेपर में आप गलत कुछ भी ना पढ़ें। चलिए आंसर आपके सामने है, आगे चलते हैं। 132 नंबर, दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए, कर्ता का क्या अर्थ होता है? इससे बकवास प्रश्न तो कुछ हो ही नहीं सकता। कर्ता का क्या अर्थ होता है? जो कार्य को करे। 132 नंबर पे चलिए, दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए, आज वर्षा होगी इसमें कौन सा काल है? बताइए आज वर्षा होगी इसमें कौन सा काल है? आंसर आपके सामने रख रहे हैं, आज वर्षा होगी इसमें ऑप्शन नंबर बी, एक संभावना है वर्तमान की। आगे चलते हैं, 132 नंबर को पढ़ के आंसर दीजिए। सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए, अब इस चारों वाक्य में सकर्मक क्रिया वाला वाक्य बताइएगा, जितना जल्दी हो सके इसका आंसर दीजिए। सही आंसर आपके सामने रख रहे हैं, आगे चलते हैं। 135 नंबर पर, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का सही पुलिंग है, ये तो तुरंत आप देख करके ही आंसर मार देंगे। चलते हैं आगे हम, 136 नंबर पर, दिए गए शब्द का सही बहुवचन बताइए, चिड़िया का बहुवचन, तुरंत आंसर दीजिए। आगे बढ़ रहे हैं हम जो है, 137 प्रश्न, वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है? जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है? आंसर आप लिख लिए होंगे, आंसर हम जो है आपके सामने रख रहे हैं, व्यंजन। 138, उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? आंसर दीजिएगा सोच समझ के, व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए, दो ऑप्शन को लेके मत झूलिए, एक आंसर पे आइए, एक आंसर पे आ गए, आंसर आपके सामने रख रहे हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी। 139 पर ध्यान दीजिए, चार विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला वाक्य चुनिए, शक्ति से क्या बनेगा विशेषण शब्द बताइएगा, आंसर आपके सामने रख रहे हैं। आगे चलते हैं 140 पे, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद बचानिए, कोई आपसे मिलने आया है इसमें कौन सा सर्वनाम है? एकदम आसान प्रश्न है, इसका आंसर आप खोज लिए होंगे, कोई आपसे मिलने आया है, एक ऑप्शन पे आप आइए जो है, एक ऑप्शन पे आइए, दो ऑप्शन को लेकर डाउट में मत रहिए, एक ऑप्शन आपने चुन लिया, सही आंसर आपके सामने रख रहे हैं, ये आंसर आपका रहा। आगे चलते हैं, आगे प्रश्न पर ध्यान दीजिए आप जो है, 141 नंबर आपका क्या कह रहा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? 141 नंबर को ध्यान से पढ़िए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सही आंसर आपने चुन लिया, चलिए आंसर आपके सामने हम रख रहे हैं 141 का, ये आंसर आपके सामने है। 142 नंबर को ध्यान से पढ़िए, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? तीन से चार प्रश्न रचनाओं से आ रहे हैं कम से कम, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? और ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं, आंसर आपके सामने रख रहे हैं। 143 पे आइएगा, मीराबाई द्वारा रचित रचना कौन नहीं है? इनमें से ऐसी कौन सी रचना है जिसकी रचना मीराबाई ने नहीं की? आंसर आपने चुन लिया, जयदेव का गीत गोविंद। चलते हैं आगे 144 नंबर पे, चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है,
चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो सबसे अच्छा विकल्प है। नियत, नियत के लिए सबसे उचित विकल्प क्या होगा? आंसर आपके सामने रख रहे हैं। चलिए 145 नंबर, दिए गए शब्द का सही समानार्थी कौन सा है? समानार्थी बताइए, समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है शरीर का? आंसर आप चुन लिए होंगे। चलिए आंसर आपके सामने है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। यूपी पुलिस में एसआई हो या कांस्टेबल, एक भी पेपर छोड़ने वाले नहीं है। रीजनिंग और हिंदी की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। 146 पर आइएगा। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं है, नहीं होते, किसमें? इन चारों में से किसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों नहीं लगते? आंसर आपके सामने रख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 147 नंबर पे। 147 क्या कह रहा है? चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द तद्भव रूप है। बताइए यह जो शब्द तद्भव है किसका है? आंसर दीजिएगा। मच्छिका का तद्भव कौन सा होगा? उम्मीद है आपने आंसर चुन लिया होगा। ठीक है, 148 पे आइए। चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। अब बताइए इन चारों में से किसमें प्रत्यय नहीं है? आंसर आपने चुन लिया, आंसर आपके सामने है। 149 को लगाइए। सही संधि विच्छेद नारीच्छा का, संधि विच्छेद कौन सा सही है? आंसर आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट प्रश्न जो है आप लगाइए। लास्ट प्रश्न आपका कह क्या रहा है? इसमें कह रहा है कि दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। अब इसका विकल्प कौन सा है जो विपरीत अर्थ का है, यानी कि विलोम शब्द, सन्यासी का? चलिए आंसर आपके सामने रख रहे हैं। आज जो है 28 जनवरी, फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्न जो है कंप्लीट हुए हिंदी के।